सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। फाइनल तुम लोग देख रहे हो रेगुलर व्लॉग आ रहे हैं यार, रेगुलर तो नहीं आ रहे होंगे, मुझे लग रहा है एक दो दिन का फर्क आ रहा हो। खैर उसको तुम एंजॉय करो, बाकी हम लोग भाई आए हुए कराची के अंदर जामा क्लॉक के अंदर। पिछले व्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा जैसा कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो गया पापा का, है ना पापा, होते रहते हैं ऐसे। तो खैर भाई अभी मम्मा वालों का इंतजार कर रहे हैं, मम्मा वाले 2 बजे से मार्केट के अंदर घुसे हुए हैं और तकरीबन 6:30 हो चुके हैं। कोई इम्कान नहीं अभी भी आने का, कोई मसला नहीं, हम जब से गाड़ी में बैठे हैं और मतलब यार बाबा अपन चलते हैं कहीं, मैं सही बता रहा हूँ, घूमने शूमने चलते हैं। खैर भाई अभी हम जाते हैं यार कहीं। सो भाई फाइनली मम्मा वाले आ चुके हैं फाइनली भाई साहब, चलो 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 भाई चलो। सो गाइस अभी का जो सीन है ना वो है, हम लोग आए एट्रियम मॉल के अंदर बिकॉज समझ रहे हो कि क्योंकि भाई अभी हमने जाना है कहाँ पर, लकी वन मॉल। हाँ नहीं, कहाँ पर जा रहे थे? हाइपर स्टार जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वो दूर है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम थोड़ा काम करते हैं अपना, लेंगे ऊपर जाना है मुझे। चलो 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 चलो, ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पे तो आज, क्योंकि मेन टाइम है ना। चलो 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 चलो, वॉशरूम उस तरफ है, उधर चलते हैं और फिर दिखाता हूँ दोनों को मास भाई की दुकान, वो भी दिखा देना, पिछले साल भी दिखाया। सो भाई चलते हैं घर पर और सीन को जैसे हैं, अभी पापा बाहर खड़े हैं, 2 मिनट लगे ही चलते हैं। चलो 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 बाहर चलो भाई बाहर चलो, वो खड़ी अपनी गाड़ी वहाँ चलते हैं जल्दी से, देर हो रही है भाई। बैक साइड पे हम लोग जा रहे हैं हाइपर स्टार। एट्रियम मॉल की यार बिल्डिंग अच्छी नहीं है, बाकी मॉल अच्छा है अंदर से, सामने बिल्डिंग ज़्यादा खास नहीं है, इस जगह के अंदर अच्छा मॉल। चलो 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 चलो, सो भाई फाइनली पार्किंग में पहुंच गए हाइपर स्टार की। ओए होए होए, फुल रोशनी रोशनी वाला माहौल हो रहा है और अभी इसके अंदर जाके भी शॉपिंग करनी है भाई। वीडियो बन रही है सर, आपने अभी कैमरा शुरू कर लिया, छूते मेरे पहले से बैठनी है अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे बैठ गए। तो भाई गाड़ी दे दी पार्किंग अपना वेले पे हमने, और यहाँ पे गाड़ी चली जाएगी वेले के पास, अब तक अंदर शॉपिंग करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं बाकी शूज़। पापा ओके हो गया वेले से? चलो भाई चलो। सो भाई फाइनली अंदर तो हम लोग पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है और मुझे लगता है तकरीबन 2-3 घंटे हैं इसको बंद होने में। अब आप हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ जाएगा, तो ईशा की अजान का पाक का टाइम होगी, तो अभी चलते हैं। मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है भाई, तुम लोग सोच रहे हो कि हाथ में पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है। सो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉचेज़ की मुझे शॉप दिखी है, इसके अंदर चलते हैं उनसे रेट वगैरह लेते हैं, क्योंकि मैंने भी अच्छी घड़ी पहनी है सॉफ्ट रिंग की, जो इसके प्राइस मैं तुम लोगों से इनसे पूछ के बताता हूँ। सर कोई अच्छी ब्रांड की वॉचेस, ज़बरदस्त किस्म की, कोई नॉर्मल के अच्छा, मुझे इसकी प्राइस मालूम करवानी थी कि कितने सॉफ्ट रिंग की है, नहीं होता तो यार काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे ऊपर जाना तो फिलहाल फजूल है। यहाँ पे भाई मम्मा वालों को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे सूट लगे हैं, मुझे पसंद आ गए लेडीज़ के सूट, वो बड़ा ढलान है भाई। तो सुबह देखते हैं मम्मी बाकी कैसी हो, उन्होंने तो ये बोला था बाकी हाँ देखते हैं, चलो कैसी हो। देखिए मैं आया हूँ जेड रॉड पर, क्योंकि मुझे परफ्यूम की फ्रेगरेंस इतनी अच्छी लगती है ना, रूलर आया ना ये बेहतरीन है, हम आपको स्टॉक ना हो अच्छा है। प्लानिंग करिए कि नमाज पहले पढ़ लेते हैं और फिर घूमेंगे, क्योंकि नमाज इज़ बेटर देन एवरीथिंग। नहीं नमाज वहाँ पे लिखा हुआ है प्रेयर एरिया, मेन प्रेयर एरिया पूरा ठीक है ना, ओके ओके। सो गाइस नमाज हमने पढ़ ली है, तुम लोग देख सकते हो जैसा कि उठना से और चलते हैं। पापा वो खड़े हुए, पापा ने पहले पढ़ ली थी, हम थोड़ी देर से आए थे, थोड़ी देर हो गई। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मसाज चेयर देखने के लिए वापसी से, एक दफ़ा तुम लोग मेरे हैदराबाद वाले ब्लॉग में भी देखी होगी, लेकिन हमने ली नहीं थी वहाँ से, समझ में नहीं आई थी, मुझे लगता है समझ में आ जाए तो यहाँ से लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मसाज चेयर एक ज़रूरी चीज़ है बॉडी पेन के लिए भी और बेहतरीन चीज़ है। सो गाइस कौन है ना, मैं तो बैठ चुका हूँ मसाज चेयर पर और शुरू हो गया और अभी से शुरू हो चुकी है ये ट्रायल, और अगर इंशाल्लाह पसंद आएगी तो पैसा बनाएंगे, इधर आप बनाएंगे। प्राइस तो बता दो, इसकी प्राइस है 9 लाख रुपए, क्योंकि हमारी हाँ डिस्काउंट में बता रहा हूँ ना, जितनी की हमारी मेहरान भी नहीं है वो बता दूँगा, इसकी प्राइस है 9 लाख रुपए, 2 मेहरान आ जाएंगे हमारी इसमें, डिस्काउंट के अंदर है ये तकरीबन 6 लाख की मेहरान आ जाएगी। तो बता रहा है कि बेड पोजिशन मतलब हमारी, अभी मैंने मसाज जो इधर हो रहा है इधर, अब मेरी लेग पर शुरू हो गया, ओए ओए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हैंड दबा दिया सर और बैक पे भी कर रहा है ये साथ साथ, हवा भर गई वाले हाथ पे आ गए, ये हालात पूरी सेटिंग है, हेल्थ है, ये पूरा आज मेरा हाथ दबा चुकी है। नीचे चलते हैं मसाज चेयर से, मसाज भी करा ली है
थोड़ा सा और पेन हो रहा है मुझे, यकीन करो अजीब सा फीलिंग आ रही है। पापा लोगों ने सुबह उठे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं तब से, फिर पापा वाले से कॉल करके पूछा जेड डॉट पे आए हैं, पापा वाले जेड डॉट पे चलते हैं दोबारा, यार बार बार जाना पड़ता है क्या करें। सो यार यकीन करो जब से कॉल होने पहले हम नीचे गए, अब हम ऊपर जा रहे हैं दोबारा से, जेड डॉट ऊपर है भाई, गलत फहमी हो गई। क्वारी 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 अरे मुझे भाई जेड डॉट ही नहीं मिल रहा, क्या करें। अरे हमने बार बार गलत फहमी, अरे पापा आ गए, पापा दिख गए दिख गए दिख गए वो, अरे पापा फाइनली बोला 17,000 रुपये का। पापा कह रहे हैं बोला मेरे कोट पसंद आया मैंने ना उसको काउंटर पर गया, बोला इसको पैक कर दो। बोला कितने का है भाई? 1,20,000। बोला भाई बुलेट प्रूफ है क्या? सो भाई मम्मा वाले मिल चुके हैं हम लोगों को और चलते हैं बीच ट्री। सो भाई हमने मम्मा वालों को तो छोड़ दिया है पीछे क्योंकि भाई उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे कितने सूट लिए होंगे टोटल आप बताइएगा? 5 भी नहीं लिए, सिर्फ 3 सूट लिए हैं और कोई बेडशीट वगैरह लिए हैं और कुछ और सामान भी लिया है। तो 5 घंटे मार्केट में लगा के और यहाँ पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, छोड़ दो इतनी सारी होने के बावजूद बोल रहे हैं भाई ब्रांड ही नहीं है मायार की, साया है पता नहीं क्यों क्यों ब्रांड है, इतनी अच्छी सी ब्रांड है वो देखो बाय द वे। और फूड कोर्ट में चले हैं, पहले परफ्यूम्स देख लेते हैं, फूड कोर्ट में चलते हैं चीज़ खाते हैं यार, बड़ा भूख भी लग रही है। और यकीन करो मेरी बॉडी में जो पेन हो रहा है ना ये मसाज चेयर करके नहीं पड़ता। सो गाइस अभी हमने KFC थोड़ा सा ऑर्डर किया है, थोड़ा बहुत खाएंगे यार ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का फुल्का जैसा कि पेट में थोड़ा सा नवाज, पेट में थोड़ा सा नवाज हो जाए, इसी लेके आते हैं फिर वहाँ बैठ के आराम से खाते हैं। सो गाइस फाइनली ऑर्डर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको खाएं वहाँ चल गए, बड़ा रश हो रहा है भाई यहाँ पे, अब पहले कम था। चलो 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 जगह 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 किधर है। सो गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर भी मिल चुका है, जगह भी मिल चुकी है, अब बस इसको खाने की देर है। सो गाइस फाइनली ऑर्डर तो हमारा भी है, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं ना, टेस्ट बनना भी हमारा फर्ज बनता है। आप जूसी बर्गर लग रहा है यार, लाइक माय भाई गिरना का है जी। आप कोई मसला नहीं। तो गाइस खाना वगैरह हमने खा लिया एकदम, और अभी का जो सीन है ना ये हल्का फुल्का हमारा लिए हो गया कि हम जाएंगे कहाँ पर और ऊपर तकरीबन फिलहाल जाना है कहीं और खाना खाने के लिए। तो हमें हल्का फुल्का के पेट नवाज में कुछ हो गया मुझे भाई, थोड़ा VIP था ना यार, मुझे भाई आवाज़ नहीं आ रही मुझे भाई, कैसा था VIP? मुझे कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं मजे से। तो यार अभी मम्मा वालों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ, और मम्मा वालों ने ना दोपहर का खाना खाया ना रात का खाना खाया, और शॉपिंग करे जा रहे हैं इनका इस टाइम ना, कल भी मेरे पास फोन आया किसी का नहीं कर सकते भाई। और अभी का जो सीन है ना मम्मा वाली शॉपिंग कर रहे हैं, अभी भी गए हैं यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, और आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत खाएंगे और फिर खाना खाने जाएंगे। यार इतना शोर है ना यार यहाँ पे, पता नहीं कौन शोर कर रहा है, कौन असल में मैच चल रहा है ना वहाँ पे, तो इस वजह से इतना शोर हो रहा है ना क्या करें। जब ये लोग घूम रहे तो अपन क्यों नहीं घूम सकते, अपन भी कोई ब्रांड वगैरह विजिट कर लेते हैं। अरे लेडीज़ में नहीं जाना, हाँ लेडीज़ छोड़ दो, बैक साइड उधर, बैक साइड उधर से जाते हैं ना इधर से, हम भी थोड़ा सा घूम लेते हैं यार, हमारा क्या कसूर, इतना अखबार करा दिया है यकीन करो, मॉल खाली हो गया लेकिन मम्मा वाले एक दुकान से बाहर नहीं आ रहे। तो भाई स्केचर्स करते हैं देखते हैं क्या बनता है, वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा है ये। बाकी अस्सलाम वालेकुम यार, इनकी वीडियो अलाउ नहीं मुझे यकीन करो भाई, तकरीबन 28,000 से इनका जूता शुरू होता है, 26,000 रुपये की चप्पल जो 26,000 की मैं जूते पहन के घूम रहा हूँ ऑफ मार्केट भाई, ब्रांड होता है भी इतना भी नहीं होना चाहिए यार भाई, 28 से शुरू होती है और तकरीबन 42 तक। अरे घूम लिया, पापा की कॉल आई, नीचे चलना है नीचे इधर से जाते हैं भाई, और पापा की कॉल आ गई तो सही पहले पता नहीं कौन नहीं शायद जा रहे ही होंगे, ऊपर ही है वैसे तो हम लोग जब से ऊपर ही थे। सो भाई हमारा इनका आइसक्रीम का फ्लेवर भी चेक कर लेते हैं। तो भाई अभी हम गए थे रोलेक्स के ऊपर, मुझे कितने तक की वॉच थी कम से कम? कम से कम 28 लाख की, कम 28 की, ज़्यादा से ज़्यादा 48 लाख रुपीज़ की। मैंने अंकल से दोबारा पूछा अंकल बाकी इतने की है, नॉर्मल प्राइस की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर है 55 या 60 तक की है। सो यार अभी हम लोग देखना है ओवन, क्योंकि वो फंक्शन वगैरह के लिए देने के लिए, यानी 20,500 का ओवन है जो कि सही है, नॉट बैड है, पापा को बुलाते हैं फिर पसंद करवाते हैं। सो मम्मा वाले तो शॉपिंग में लगे पड़े, 10 बज गए, 10 लोग इतने भी नहीं हुई, कितने बज गए होंगे, क्या टाइम हो रहा है, मैं अपनी घड़ी में देख लूँ यार, 9:15 तो होगा भाई, 10 बजे में क्या दे रहे हैं कुछ, दो सूट लिए हैं इतनी देर में। तो भाई फाइनली बाहर आ गए, मुबारक हो यार, चलो तो भाई अब जाएंगे डायरेक्ट, बैठेंगे गाड़ी के अंदर और खाना खाएंगे। आप लोग भूख नहीं लग रही क्या? लग रही है जी, खाना खाते हैं, मेरे तो हमने तो KFC खाया, मज़ा आ गया। भाई ये दुकान भी अच्छी है फर्नीचर की, बात नहीं कर रहा था मुझे भाई, मुझे एक फर्नीचर की दुकान पे लेके जा रहे थे लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग फारिग हो गए
और फिर मुझे मैंने बोला चलो यार नीचे जा नहीं सकते पापा इंतजार कर रहे हैं। फारिक 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 भाई पहले वाले से गाड़ी मंगाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और कुछ खाने के चलते हैं भाई भूख लग रही है। आ गई आ गई आ गई गाड़ी आ गई भाई बैठो 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 डाली डिग्गी में रखो भाई सामान डिग्गी भाई डिग्गी ने बंद होने से इनकार कर दिया। हो गई बैठो बैठो मुझे भाई बैठो बैठो सो गाइस फाइनली आ चुके हैं खाना खाने के लिए बिल्कुल वीआईपी जगह पे सलातीन शानदार सलातीन पे आए हैं। लेके आए क्योंकि पापा आते रहते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए क्योंकि पापा का कराची जाना आना जाना है। गाड़ी हमने खड़ी कर दी पापा लॉक कर दो हम लोग जा रहे हैं वो वाले होटल पे क्योंकि भाई ढाबे इस टाइम में खाना खाना था बर्गर में नहीं खाना था बर्गर खाली है भाई बड़े बर्गर खाली है। चलो 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 भाई अभी हम लोग इधर बैठेंगे और इधर बैठ के खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई हमने गाड़ी यहाँ मंगा ली है और यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाएगी और यहीं पर ही हम बैठ जाएंगे सामने इधर। सो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पर हमारा आ चुका है मेन्यू कार्ड जिसने ऑर्डर की है आधा किलो कढ़ाई दो टिक्के और पराठे वगैरह। तो ये बड़ा बेहतरीन ऑर्डर है मुनासिब ऑर्डर है और उसको खाएंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है। सो गाइस फाइनली आसरा हमारे पास आ चुका है जिसमें हमारे पास सलाद और रायता आया है। सो गाइस फाइनली हमारे पास खाना आ चुका है जिसके अंदर हमारे पास दो टिक्के और कढ़ाई है और बड़ी वाली नान है फुल साइज वाली इसको मेन चीज़ ये है मज़ा आएगा। सो गाइस फाइनली खाना वगैरह हमने खा लिया तो जैसे तो चक्का चक चमचमाती हुई कढ़ाई इनको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमने फुल खाली कर दी है प्लेटें भी बिल्कुल चमचमाती हुई कर दी हैं। अरे भाई यहाँ पे ही हमें बिल्ली मेरे घर पे ही मिली थी ओए ओए बेस की तो दावत चलने देते हैं हमने करी दावत बेस की भाई आज की पार्टी हमारी तरफ से भाई बाबा गए ऑर्डर बिल पे करने के लिए हम तो चलते हैं गाड़ी के अंदर आ ही जाए अलग रोड है ना। तो फाइनली गाइस अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं सामने हमने बिल्कुल जाना है और अंधेरा बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है। सामने वाला होटल पे हमने खाना खाना था लेकिन अभी हमने वहाँ नहीं खाया हमने खाया काफ़ी ज़्यादा दूर हाइपर स्टार की उधर। सो भाई किसी के घर पे जाने से पहले कुछ थोड़ा सामान लेना चाहिए तो वही लेने थोड़ा मीठा वीठा लेना आ चुके हैं इन्हें और वहाँ पर उनको गिफ्ट कर देंगे। अभी अपने करवा लिए पापे और इसमें क्या था पापा केक केक था और खा रहे थे तो ये सही रहेगा तीन चार आइटम तो और मैंने निकाली जानवर वाली थैली जो हमने सुबह लेके आए थे अब उनको देनी है गिफ्ट। 6.5 hours late. So guys, रात को हम लोग आ चुके थे यहाँ पर घर पर और सोने के लिए सो के मैं उठ भी चुका हूँ सुबह हो चुकी है तो मैं जैसे तो सुबह सवेरे में उठाऊँ क्योंकि भाई मुझे कहीं और समझ रहा नींद नहीं आती बस उठ गए और चलते हैं गाड़ी के पास गाड़ी देख के आते हैं किस हाल में मतलब कर देता हमने घर से बहुत दूर तो बस रात को ऐसी थकावट हुई आके सो गए डायरेक्ट। सो गाइस नीचे चलते हैं गाड़ी के पास देख के आते हैं गाड़ी कैसी हाल गाड़ी कैसी खड़ी मतलब कपड़ा वपड़ा लगा के हमने खड़ी कर दी थी रात को ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना रात को आते थे। चलो 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 भाई हमारी गाड़ी जो खड़ी ना वो मैं खड़ी हुई गाड़ी जो वैगनर नज़र आ रही होगी आप लोगों को आगे तो जब भी मैं देखने जा रहा हूँ क्योंकि घर से काफ़ी दूर है और गाड़ी को देख भी लेते हैं कि सही खड़ी हुई है ना मतलब पार्किंग नॉन पार्किंग का मसला नहीं है लेकिन हमने पार्किंग में खड़ी करी थी मेरे मुंह को इग्नोर करना मेरा मुंह भी नहीं धुला बस सामने मोमदी कबाब हाउस है यानी मोमदी स्वीट से जो कि बड़ा मशहूर है यहाँ का हमारी गाड़ी खड़ी हुई बिल्कुल उसके सामने ही हमारी गाड़ी ये रही कपड़ा वपड़ा लगा के हमने खड़ी करी चमचमाती हुई सेट ओके चलते हैं घर की तरफ। मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर रहा था यार व्लॉग की व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा आया होगा पहले वाला ब्लॉग तुमने देखा होगा इस बिल्डिंग में हम लोग रुके हैं और हमारा कमरा ये वाला है नीचे ऊपर वाला हमें ये नीचे से जाना पड़ता है और ऊपर आराम से चले जाते हैं। सो गाइस फाइनली आपको करते हैं इसी के साथ यहीं पर ही एंड हमें पसंद आया होगा बोरिंग बोरिंग सा था मुझे पता है क्योंकि इतना घूमे हम लोग कल रात को इतना घूमे अभी भी नींद आ रही है यार गाड़ी भी अपनी सेव है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट ब्लॉग तुम लोग देखना बड़ा मज़ा आएगा उसमें भी इंक्वायरी करेंगे। बाय बाय अल्लाह हाफिज़ टेक केयर।